मुरादाबाद कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन मुरादाबाद जिला अधिकारी के माध्यम से कहा गया कि देश में दुष्कर्म अपराधियों द्वारा जघन्य घटनाएं गठित की जा रही हैं, जिसमें हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, पशु चिकित्सक रांची की छात्रा, संभल की बेटी, अलीगढ़ में 8 साल की बच्ची तथा अन्य अपराध महिलाओं व बच्चों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उनको चलाया जा रहा है। देश में इस प्रकार का निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसके बाद भी अधिक घटनाएं बलात्कारियों द्वारा की जा रही हैं, परंतु सामूहिक बलात्कार के बाद भी की जा रही हत्याओं की घटनाओं पर देश में सख्त कानून का पालन नहीं किया जा रहा है और बलात्कारियों के लिए कानून में संशोधन करके तुरंत 6 माह के अंदर फांसी दिलाई जाने का कानून बनाकर अमल में लाया जाए ताकि ऐसी घटनाएं देश में घटित ना हो सके। मेरा नाम आरजी भारत है। भारत जी, किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, देश के अंदर अत्यंत निंदनीय घटनाएं घटित हो रही हैं। कुछ समय पहले निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसमें आज तक जो है 7 साल से केस चल रहा है, हत्यारों को फांसी नहीं दी गई है। उसमें ये कहा गया कि कुछ लोग, उसमें एक बच्चा जो था वो नाबालिग है। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो रेप करता है वो नाबालिग कहाँ से हुआ? हम मांग करते हैं, और अभी मौजूदा जो कांड हुआ है आपका हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी जी के साथ, उसके बाद भी लगातार एक रांची की छात्रा के साथ हुआ, एक संभल की बेटी के साथ हुआ है, और 8 साल की बच्ची अलीगढ़ जिले में अभी 2 दिन पहले उसके साथ रेप हुआ है। तो हम लगातार इस तरीके की घटनाएं देख रहे हैं, और हमें काफी दुख होता है कि महिलाओं के साथ पहले सामूहिक बलात्कार कराया जाता है, बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उनको जिंदा जला दिया जाता है। तो अब हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषी होता है, बलात्कारी होता है, हत्यारा होता है, ना कि नाबालिग होता है। उसमें नाबालिग हो या बालिग हो, 6 महीने के अंदर अंदर कानून ला करके उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम लोग सरकार से और राष्ट्रपति जी से यही मांग करते हैं। आज हम यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पे, और डीएम साहब के माध्यम से जो है कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं।